नमस्कार आप देख रहे हैं फोस्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना आती हैं और पटना की धरती पर आते हैं सबसे पहले वो अगर कहीं जाती हैं तो पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर में वहां जाकर वो दरबार में मत्था टेकती हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई जो कि बहुत ही ज़्यादा लुभावनी हैं आपको बता दें कि पटना साहिब में स्थित तख्त श्री हरि मंदिर में कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे मत्था टेके थे और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी वो बहुत कुछ बया कर रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श् ने खुद ही वहाँ रोटी भी बनाई थी वहाँ भंडारा भी चलाया था जिसकी तस्वीरें सामने आई थी और अब देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीरें भी उसी श्री हरि मंदिर से सामने आई हैं जहाँ वो मत्था टेक रही हैं वो प्रसाद ले रही हैं और वो गुरुद्वारे का भ्रमण करते हुए भी दिखाई दी आपको बता दें कि पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए लगातार जनसभा को संबोधित किया जा रहा है उनके लिए पटना में रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं पटना साहिब की अगर हम बात करें तो सातवें चरण यानी कि आखिरी चरण में यहाँ पर मतदान होने हैं जो कि एक जून को होगा और एक जून से ठीक पहले कभी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं पटना में रोड शो कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांग रहे हैं और उसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तख्त श्री हरि मंदिर में गए थे वहां पर मत्था टेकते उनकी तस्वीरें भी बाहर आई थी वो रोटी भी बना रहे थे और उसके बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब पटना आती हैं तो सबसे पहले वो पटना साहिब स्थित इस गुरुद्वारे में जाती हैं और वहाँ से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं आपको बता दें कि सातवें चरण में यहाँ पर चुनाव है पांच चरण का मतदान खत्म हो चुका है ऐसे समय छठे चरण का मतदान पच्चीस मई यानी कि कल है और उसके बाद सबकी निगाहें अगर टिकी हैं तो वो सातवें चरण यानी कि एक जून को होने वाले वोटिंग पर टिकी हैं और उसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग अपनी कोशिश कर रही हैं जिसके लिए वो क्षेत्र भ्रमण पर निकली हैं और उसी दौरान जब पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगने जनता से संवाद करने स्मृति ईरानी पटना पहुंची तो सबसे पहले वो पटना साहिब स्थित श्रीहरि मंदिर में जाती हैं और दरबार में वहाँ मत्था टेकती हैं प्रसाद लेती हैं गुरुद्वारे का भ्रमण करती हैं तस्वीरें तो सामने आती हैं और उसके बाद आपको बता दें कि वो पटना साहिब की जनता से मिलेंगी संवाद करेंगी महिला सशक्तिकरण को लेकर भी वो महिलाओं को जागरूक करेंगी और बताएंगी कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या कुछ महिलाओं के लिए किया जाएगा क्योंकि स्मृति ईरानी महिला है तो खास तौर तो पर महिलाओं का वोट बैंक बटोरने की पूरी कोशिश की जाएगी जिसके लिए स्मृति ईरानी पटना आई और जब पटना की धरती पर वो पहुंचती हैं तो जनता के बीच जाने से पहले वो जाती हैं आशीर्वाद लेती हैं और उसके साथ साथ कामना भी करती हैं कि देश हो या फिर प्रदेश हो हर जगह सुख शांति का माहौल रहे और उसी के साथ जो तस्वीरें सामने आई वो इस चुनावी माहौल में बेहद ही अलग है क्योंकि इस माहौल की अगर हम बात करें तो विपक्ष और जो सत्ता पक्ष एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने में लगा हुआ है इसी बीच जब कोई मंदिर जाता है कोई गुरुद्वारे जाता है और वहां से जो तस्वीरें सामने आती हैं वो एक अलग संदेश देती हैं वो अलग ही कुछ बया करती हैं और ऐसे में ठीक कुछ दिन पहले इसी दरबार में जब पीएम मोदी गए थे और अब यहाँ पर स्मृति ईरानी पहुंचती हैं जो तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे थे और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है वो सब कुछ बता रहे थे आप उस पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए देखते रहे फोस्ट बिहार झारखंड धन्यवाद पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो पूर्णिया में घर ले लिया पूर्णिया के ई होम्स पैनोरो में पूर्णिया में पैनोरोमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरो बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरोमा के संग ई होम्स पैनोरो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल रीडिफाइंड